हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेक्चर नंबर 9 की। लेक्चर नंबर 8 तक आपने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में काफ़ी सारी जानकारी ऑब्टेन की, तो अब आइए उसी के रिगार्डिंग आगे बढ़ते हैं। इसमें एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर कॉइल को पढ़ना है। क्या होता है कि जब आप किसी इंडक्टर कॉइल को किसी सेल के साथ इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर एक स्विच लगा दिया, तो अभी जैसे कि स्विच आपका ओपन है तो कोई भी करंट इसमें से फ्लो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हमारा स्विच क्लोज करेंगे, आपका ये स्विच जो है जैसे ही ये क्लोज होगा तो करंट की वैल्यू जो है वो जीरो से बढ़ करके कुछ मैक्सिमम करंट तक वो आ जाएगी। जीरो से बढ़ के आई मैक्स वैल्यू जो भी होगा वो अटेंड कर लेगा। तो इस बीच में जीरो से लेकर आई मैक्स होने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा ना, तो मान लो डेल्टा टी समयांतरा लग गया, तो इस बीच में लगातार डी आई बाई डी टी चेंज होता रहेगा। मतलब कि डी आई बाई डी टी जो होगा वो कुछ ना कुछ होगा, कहने का मतलब जीरो से आपका आई मैक्स तक गया है तो मतलब क्या हुआ, करंट बढ़ रहा है और करंट की वैल्यू जब बदल रही है तो आप वहां पर डी आई बाई डी टी को डिफाइन कर सकते हैं, देयर मे बी समथिंग सम वैल्यू ऑफ डी आई बाई डी टी। तो अगर यहाँ पे आई चेंज हो रहा है तो इसी इंडक्टर कॉइल में अब अपोजिंग नेचर आ जाएगा, जिसको आप सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, और वो अपोजिंग ईएमएफ क्रिएट करेगा। एक ईएमएफ उल्टा सेल की तरह इस तरह से लग जाएगा जो करंट को बढ़ने से रोकेगा। तो मान लीजिए किसी टाइम आई करंट फ्लो हो रहा है और इस वक्त डी आई बाई डी टी के हिसाब से करंट के बढ़ने का रेट जो है वो चेंज हो रहा है, तो जो अपोजिंग ईएमएफ है एल डी आई बाई डी टी वो उधर से जनरेट हो जाएगा। अब क्योंकि ये जो सेल है आपका, ये ईएमएफ ये इधर वाले ईएमएफ से हायर पोटेंशियल पर रहेगा, तो ये फर्दर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेगा आगे जाने के लिए, तो इसीलिए ये आई की वैल्यू जो होगी वो लगातार बढ़ती जाएगी, आई मैक्स की तरफ वो बढ़ेगा। तो ये सेल को जो काम करना पड़ गया कि एक अपोजिशन के अगेंस्ट में काम करना पड़ गया, तो इसके द्वारा जो भी वर्क डन होगा वो मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में इस इंडक्टर कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर कॉइल। तो सबसे पहली बात इसमें ध्यान रखेंगे कि इन दिस केस द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। कहीं कहीं पूछता है आपसे कि इंडक्टर कॉइल में किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, जवाब होगा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इन साइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर कॉइल। कभी कभी ये भी पूछता है कि कहाँ पे स्टोर होती है, तो इंडक्टर के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगा उसके अंदर में वो एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे पढ़िए, व्हेन ए सर्टेन वैल्यू ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द इंडक्टर कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो जब कोई सर्टेन वैल्यू ऑफ करंट इसमें फ्लो करना चाहेगा तो उस वक्त एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, विच हैज टेंडेंसी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, बट ड्यू टू द एक्सटर्नल सोर्स जो कि ये ईएमएफ हुआ, द करंट कंटिन्यूज टू फ्लो, करंट ये कंटिन्यू इसमें फ्लो करेगा, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच द एक्सटर्नल सोर्स विल डू ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क अगेंस्ट द ईएमएफ इंड्यूस्ड। ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इसके अगेंस्ट में इस वाले सेल को कुछ काम करना पड़ेगा करंट को फ्लो करवाने के लिए, विच रिमेन्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम। अब मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं आप, तो देखिए यहाँ पर जो भी डेल्टा डब्ल्यू होगा सेल के द्वारा वर्क डन होगा, दैट विल बी चेंज इन क्यू इंटू वी। अब क्यू और वी में जो भी वेरिएबल होगा उसमें ये डेल्टा ऑपरेट कर देंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल हमको वर्क डन मिल जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि आपका यहाँ पर वी जो है, ईएमएफ जो है वो हम लोग क्या लेंगे, तो वी मतलब कौन से ईएमएफ के अगेंस्ट में काम हो रहा है, तो एल डी आई बाई डी टी के अगेंस्ट में काम हो रहा है, तो यही वी हो गया यहाँ पर, और चार्ज जो हो रहा है यहाँ पर धीरे धीरे इधर से उधर जा करके फ्लो हो रहा है। तो आप ये डेल ऑपरेटर आप क्यू पे लगाइए तो डी क्यू हो गया और वी जो है आपका एल डी आई बाई डी टी हो गया। सो एल डी आई बाई डी टी और डी क्यू को फिर क्या लिख सकते हैं आप, आई डी टी, क्योंकि आई बराबर डी क्यू बाई डी टी ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, तो हम डी क्यू को लिख सकते हैं आई इंटू डी टी। सो आई इंटू डी टी यहाँ पे रख दीजिए, और जो ये वी है जो अपोज कर रहा है यहाँ पर, यही हुआ इंडक्टर के द्वारा अपोज किया हुआ ईएमएफ, जो कि वी के रूप में आप दिखा सकते हैं। इसी वी के अगेंस्ट में चार्ज फ्लो होना चाहता है, तो वही लिखा गया है चार्ज डी क्यू, चार्ज फ्लो होना चाह रहा है, तो डी क्यू बन गया आई डी टी, और ये अपोजिशन का जो वोल्टेज है वो एल डी आई बाई डी टी हो गया। अब इसी में आपका एल तो होता है कॉन्स्टेंट, तो वो एल बाहर आ गया, और ये डी टी डी टी आप हटा सकते हैं, और फिर यहाँ पर आई डी आई आपको बचेगा। और इंटीग्रेशन के रूप में मान लीजिए जीरो से शुरू में जो आपका करंट था वो जीरो था, और बाद में कुछ आई फिक्स वैल्यू हो गई, स्टेडी स्टेट में आ गई, अब बढ़ नहीं रहा कुछ, तो जीरो से आई तक होने में जो एनर्जी स्टोर होगा वो इस वर्क डन के बराबर होगा। तो जीरो से आई तक आप इंटीग्रेट करेंगे,
ये क्या बन गया हाफ एल आई स्क्वायर, चूंकि आई डी आई का आई स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा और ओवरऑल क्या बन गया हाफ एल आई स्क्वायर। तो यही वर्क डन चूंकि पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, सो कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी जमा हो गई उसकी वैल्यू क्या हो गई हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, अब इसी में हम लोग थोड़ा सा स्पेशल फॉर्म ऑफ एनर्जी की भी बात कर लेते हैं। जैसा कि कैपेसिटर के अंदर में एनर्जी जब स्टोर किए थे हाफ सी वी स्क्वायर, तो वहाँ भी हमने इस तरह के स्पेशल फॉर्म की बात की थी, एक एनर्जी डेंसिटी जैसी टर्म्स आई थी। तो यहाँ भी फिर से यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी जैसी टर्म आएगी जब आप एनर्जी को किसी वॉल्यूम में स्टोर करते हो। वहाँ कैपेसिटर के बीच के वॉल्यूम में स्टोर किया गया था, यहाँ इंडक्टर के अंदर के वॉल्यूम में स्टोर किया गया। तो यहाँ भी एक डेंसिटी जैसे टर्म आएंगे। यहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप मैग्नेटिक डेंसिटी मैंने मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कह सकते हैं, जो बाद में मैग्नेटिक प्रेशर के रूप में भी ये जाना जा सकता है। तो स्पेशल फॉर्म ऑफ एनर्जी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए, एक सोलेनाइड का हम लोग केस लेंगे, जैसे ये जो इंडक्टर कॉयल एक तरह से सोलेनाइड ही हो गया। तो सोलेनाइड का अगर हम केस लेते हैं तो हमें पता है कि सोलेनाइड ऑफ लेंथ एल और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन हो, तो आप उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर में एग्जिस्ट करती है म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई करती है, और जो उसके लिए एल वैल्यू लिखा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू, जो पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 8 में आपने पढ़ा है, तो वो पढ़ा है म्यू नॉट एन स्क्वायर बाय एल इंटू ए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि जो एनर्जी स्टोर होगा यू एल, जो कि मैग्नेटिक एनर्जी होगा, तो यू बी कह सकते हैं, बी फॉर मैग्नेटिक एनर्जी के लिए लिखा जा रहा है। सो हाफ एल आई स्क्वायर, तो इसमें ये एल की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर रहे हैं, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर बाय एल इंटू ए ये आपने रख दिया। और जो ये आई है, तो ये आई हम लोग यहाँ से निकालेंगे इस वाले फर्स्ट फॉर्मूले से, कि सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई से आई निकाल लीजिए, तो बी एल बाय म्यू नॉट एन, तो बी एल बाय म्यू नॉट एन और आई का स्क्वायर है तो इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। और स्क्वायर करने के बाद अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए, एक म्यू नॉट आपका यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, एक एल कैंसिल हो रहा है, और जो बच रहा है फिर आप इसको ओवरऑल करके लिखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये बी स्क्वायर बाई 2 टाइम्स म्यू नॉट, और आपका ये देखिए एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स कैंसिल हो जाएंगे, और आपके एरिया क्रॉस सेक्शन और एक एल आपका बचेगा ए इंटू एल। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा ये और इंटू जो भी आप एल ले रहे हैं उसको अगर दोनों को गुना कर दिया जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एल को, तो ये आपको इतने का वॉल्यूम दे देगा। ठीक है, ए एल क्या दे देगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सोलेनोइड। तो हमारा यू एल बन जाएगा बी स्क्वायर बाई 2 μ0 इंटू वॉल्यूम, और यही एनर्जी अपॉन वॉल्यूम अगर आप कर देते हैं तो जो बच गया उसी को हम कहेंगे एनर्जी डेंसिटी। तो वो कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर बाई 2 μ0। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एक तरह से कह सकते हैं बी स्क्वायर बाई 2 μ0 का फार्मूला आएगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी आपको याद होगा हाफ एप्सिलन नॉट और ई स्क्वायर ऐसे कुछ आया था वहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हो गया है एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बी स्क्वायर बाई 2 μ0, जिसको आप मैग्नेटिक प्रेशर भी कह सकते हैं, क्योंकि एनर्जी बाय वॉल्यूम का जो यूनिट बनता है वो प्रेशर का ही यूनिट बनता है, इसीलिए ये भी एक क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक प्रेशर कहलाएगा। तो कभी कभी पूछता है मैग्नेटिक प्रेशर या मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, तो जवाब होगा बी स्क्वायर बाई 2 μ0। ठीक है, बी स्क्वायर बाई 2 μ0। उसी तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट में जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, तो उसमें अगर आपको याद हो तो एक बार जाके चेक कर लीजिएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहाँ ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से हम लोग ने वहाँ कुछ डिफाइन किया था, तो उसको चेक कर लेंगे। एलिमेंट्री कैलकुलेशंस के लिए देखिए, अब यही है आपका, ये एनर्जी डेंसिटी है, मतलब ऊपर में एनर्जी नीचे में वॉल्यूम। तो एलिमेंट्री के लिए इसको डी यू बोलिए, इसको डी वी बोलिए, और इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऐसा फॉर्मेट हो जाएगा डी यू बी बराबर बी स्क्वायर बाई 2 μ0 इंटू डी वी। और इसी को इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बी, तो ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो इंजीनियरिंग एग्जाम्स में, आई टी जेई एडवांस वगैरह में, और कभी कभी मेंस में भी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस में इस तरह के फॉर्मूले का उपयोग किया जा सकता है ना। अदरवाइज थ्योरेटिकल जानकारी भी इसका रखिएगा, तो इससे भी काफ़ी सवाल नीट में आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते देखते हैं। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे कहा गया आपको अक्सर कि एक क्यूब ऑफ एज लेंथ ए है, ये देखिए क्यूब बनाया हुआ है एज लेंथ ए का, इज कैप्ड एट ए डिस्टेंस आर, और आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, तो ये काफ़ी ज़्यादा दूरी है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से आर दूरी पर
ए एज लेंथ का एक क्यूब रखा हुआ है, तो फ्रॉम ए स्टेट का इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, ये वायर जो इनफाइनाइट है, हैविंग करंट आई नॉट, इसमें आई नॉट करंट फ्लो हो रहा है, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द क्यूब, कहता है कि इस क्यूब के वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी उसको पता लगा। आप जानते हैं करंट कैरिंग वायर होता है तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, तो इन मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। उसी को बोलता है कि अगर हम इसे r डिस्टेंस पर जाएं और r इज मच मच ग्रेटर देन a का कंडीशन आपको यूज़ करना है, फिर बताना है कि इस क्यूब के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ऑफकोर्स वो मैग्नेटिक एनर्जी होगी। तो आप अभी अभी पढ़ें कि जो भी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी तो बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट और इंटू क्या कर देना है, वॉल्यूम कर देना है, ठीक है। तो जिस भी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं वो हो जाएगा। अब बी जो होगा वो इस वायर की वजह से होगा, है ना, और आर डिस्टेंस के बाद ही लिखना है क्योंकि ए बहुत बहुत छोटा है, तो ये मानेंगे कि आर डिस्टेंस पर जो भी बी का वैल्यू होगा थ्रू आउट, ये इतना के लिए इक्वली रखना है आपको, इक्वली लेके चलेंगे। सो बी हमारा स्ट्रेट वायर के लिए हमने पढ़ा है म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई बाई आर, ठीक है। तो ये कैंसिल करेंगे आप तो म्यू नॉट आई नॉट बाई टू पाई आर, इस तरह से ये रहेगा, और इसका आपको स्क्वायर करना है यहाँ पे, तो म्यू नॉट आई नॉट बाई टू पाई आर का स्क्वायर एंड देन डिवाइडेड बाई टू म्यू नॉट हुआ, एंड देन दिस वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जिसमें आपको एनर्जी जमा हुई है, तो क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, एक ही होगा, सिंपल है। और अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, जो भी आंसर आना आ जाएगा। तो म्यू नॉट स्क्वायर है, एक म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये टू भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो एक म्यू नॉट लेकिन बचेगा, आई नॉट का स्क्वायर रहेगा, और ये टू, एक टू बचेगा, एक टू मैंने कैंसिल कर दिया है, तो टू टू फोर, अच्छा ये कैंसिल नहीं होगा, ये उल्टे और एट बन जाएगा, राइट। चलिए करेक्ट किया, एट बना दिए, और ये क्या हो गया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेशन आप लोग भी चेक कर लेंगे, ये म्यू नॉट जरूर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, एक बार में कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट स्क्वायर तो एक म्यू नॉट बचेगा, आई नॉट स्क्वायर हो गया, और फिर यहाँ पर टू इंटू टू फोर, फोर और फोर टू एट, बाकी पाई स्क्वायर और फिर ये आर स्क्वायर वो भी नीचे आ गया, एंड देन मल्टीप्लाई विथ ए क्यू। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि इतनी मैग्नेटिक एनर्जी जो है ये यहाँ पर इस क्यूब में स्टोर हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से आप आंसर्स लिख सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल रहते हैं। अगर आपको यहाँ वेरिएबल दे देगा नेचर, बोलेगा नहीं आर नज़दीक है और ए जो है कंपेरेबल है, तो फिर तो आपको यहाँ एलिमेंट्री मेथड लेना पड़ेगा, एलिमेंट्री वॉल्यूम में आपको निकालनी पड़ेगी और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा। तो हम ये मानते हैं कि वो जेई एडवांस वगैरह में आपको पूछ सकता है। नीट के लिए आपको इस टाइप का ज़रूर ध्यान में रखना है, ठीक है, या बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, तो इसी पर फोकस रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अरे बच्चों आगे हम लोग बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम पर्पज से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है ये सब डेरिवेशन। तो क्या है, ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर क्वाइल्स, ठीक है। जैसे कि दो इंडक्टर क्वाइल्स आप सीरीज में इस तरह से ग्रुप कर दिए, तो दो तरह की ग्रुपिंग आपको नॉर्मली पढ़नी है, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। तो पहले देखते हैं सीरीज ग्रुपिंग। तो सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है, एक इंडक्टर क्वाइल का दूसरा एंड दूसरे इंडक्टर क्वाइल के पहले एंड के साथ इस तरह से सीधा सीधा सीरीज में लगा देना, एक ही लाइन में लगा देना है, और फिर कॉम्बिनेशन के थ्रू जो है आपका एक ईएमएफ सेल यहाँ पे जोड़ देना है, ठीक है। स्विच को ऑन कर दिया और यहाँ पर क्या हुआ, किसी स्टैंड में आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो और ये क्या हो रहा है, आई जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है, आपने स्विच ऑन किया हुआ है। तो क्या करेगा, इस आई को अपोज करेगा, इंडक्टर का जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो क्या करेगा, अपोज करेगा। तो मान लो इसके अक्रॉस ई1 ईएमएफ आया और इसके अक्रॉस ई2 ईएमएफ बना, ये ईएमएफ एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, तो वो कितने का वैल्यू लेगा, तो अपोज करेगा L1 DiY dt और ये E2 DiY dt, क्योंकि DiY dt जो भी चेंज होगा तो थ्रू आउट सर्किट में एक ही रहेगा, सो इसलिए DiY dt मान लो कि यहाँ पर चेंज हो रहा है किसी इंस्टेंट में, तो इसके अक्रॉस जो EMF बनेगा इंड्यूस्ड EMF वो हो गया L1 DiY dt और इसके अक्रॉस जो बनेगा E2 L2 DiY dt। अब ये दोनों अगर आप देखो यहाँ से यहाँ तक अगर आप चलोगे ऊपर से चलोगे तो ये E1 प्लस E2 बनेगा और यही किसके बराबर होगा, इधर से चलेंगे तो E के बराबर। तो क्लियरली मैथमेटिकली हमें देखने में समझ में आ रहा है कि जो ये EMF जो सेल का होगा दैट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है कि आपको एक ही इंडक्टर कॉइल यहाँ पे यूज़ करना है, उसकी LE वैल्यू एल इक्विवेलेंट वो निकालनी है, जैसे कि हम यही EMF डालें और यही आई इसमें जब फ्लो रहा हो
तो आपका इसका जो अपोज मिले वो इसी ई के बराबर हो, ये दोनों मिला करके इसको अपोज कर रहा है, अकेले उसको अपोज करें एल ई डी आई बाई डी टी के साथ, ठीक है। तो एल ई बताना है इन टर्म्स ऑफ एल वन एंड एल टू, तो सेम करंट आएगी यहाँ, सेम करंट आएगी यहाँ भी, सेम डी आई बाई डी टी यहाँ भी और सेम डी आई बाई डी टी यहाँ भी होना चाहिए। तो ये वाला सर्किट जो होगा इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसीलिए अब इसको मैथमेटिकली आगे देखिए, तो हमने देखा कि जो भी ई एम एफ आएगा इसके अनुसार ई वन प्लस ई टू आप लिख सकते हैं, और ई को आप यहाँ के अनुसार लिख सकते हैं एल ई डी आई बाई डी टी, ई वन आपका हो जाएगा एल वन डी आई बाई डी टी, ई टू हो जाएगा आपका एल टू डी आई बाई डी टी। अब इसमें डी आई बाई डी टी आप देख सकते हैं चूंकि सेम ही है दोनों सर्किट में, कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो एल इक्विवेलेंट बन जाएगा हमारा एल वन प्लस एल टू। तो इसमें सीधा सीधा इंडक्टर कॉइल्स क्या हो गए, रेजिस्टेंस की तरह डायरेक्टली अगर सीरीज में है तो ऐड कर दिए जाएंगे। तो इक्विवेलेंट जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एल वन प्लस एल टू। चलिए पैरेलल ग्रुपिंग का केस देख लेते हैं, तो ये भी उसी तरह से है। पैरेलल ग्रुपिंग अगर आप इस तरह से दो इंडक्टर कॉइल्स के रखते हो, एल वन वाले ऊपर एल टू वाले नीचे, तो और इनको मिला करके दोनों एंड इधर एक साथ आपने रख दिया और एक सेल को कनेक्ट कर दिया। अब आपने स्विच को ऑन किया तो आई करंट फ्लो होना शुरू हो गया, अब चूंकि पैरेलल में थे तो मान लीजिए आई वन इसमें जाएगा, आई टू इसमें जाएगा, ऑफकोर्स वो भी इंक्रीजिंग नेचर का होगा, वो भी बढ़ेगा। तो इसमें जो बढ़ रहा है वो डी आई वन बाई डी टी, और इसमें जो बढ़ रहा है डी आई टू बाई डी टी के हिसाब से बढ़ेगा। तो यहाँ जो अपोज होगा वो एल वन डी आई वन बाई डी टी, और यहाँ जो अपोज होगा वो एल टू डी आई बाई डी आई टू बाई डी टी, इस तरह से आपका चलाएगा। और चूंकि ये पैरेलल कनेक्शन है तो जो भी ई एम एफ यहाँ पे होगा वो दोनों के अक्रॉस आपका सेम चलेगा। तो ये ई एम एफ इक्वल टू एल वन डी आई वन बाई डी टी, इस तरह से आप लिख सकते हैं, और यही ई एम एफ इक्वल टू एल टू डी आई टू बाई डी टी, वो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। और इसके जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेंगे इन दोनों के जगह पर कोई एक सिंगल आएगा वो एल इक्विवेलेंट यहाँ पे कहलाएगा, और उसके बाद जो सर्किट से है वही करंट आई जो जा रहा है वही यहाँ भी जाएगा। तो ये जो अपोज करेगा वो क्या बनेगा, एल ई डी आई बाई डी टी का अपोजिशन आएगा और वही इसके बराबर होगा। तो आप ये ई एम एफ इक्वल टू लिख सकते हैं एल ई इंटू डी आई बाई डी टी। तो यहाँ भी जो एक अपोज हम लोग लिखेंगे वो इसी तरह से अपोज बनेगा, और ये कितने का बनेगा, यही एल ई डी आई बाई डी टी का, ठीक है। तो वही चीज़ इसके बराबर हो गया, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इन जगहों से हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर देखिए आई आ रहा है मैथमेटिकली, तो वही आई वन और आई टू में बट रहा है, ठीक है। तो करंट के नियम से किरचॉप्स करंट लॉ, उसको देखिए, जितना किसी जंक्शन पर करंट आएगा उतना ही जाएगा। सो इस जंक्शन को ध्यान से देखिएगा, तो आई इधर से एंट्री कर रहा है और आई वन और आई टू के रूप में जा रहा है, वही बट रहा है, मतलब आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। अब ये आई आप चाहो तो इसको डायरेक्ट तो लिख नहीं पाएंगे, आपको यहाँ पर आई चेंज हो रहा है तो डिफ्रेंशिएट करके लिखिए। सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा डी आई बाई डी टी, इधर डी आई वन बाई डी टी और ये डी आई टू बाई डी टी, ठीक है। अब डी आई बाई डी टी को क्या आप लिख सकते हो, तो यहाँ से निकाल लो, तो ई अपॉन एल ई लिख सकते हैं, डी आई वन बाई डी टी को लिख सकते हैं ई अपॉन एल वन, और यहाँ से डी आई टू बाई डी टी को लिख सकते हैं ई अपॉन एल टू। तो डी आई बाई डी टी आपका जो हो गया वो ई अपॉन एल ई ऐसा हो गया, डी आई वन बाई डी टी हो गया ई अपॉन एल वन, और डी आई टू बाई डी टी हो जाएगा ई अपॉन एल टू, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके ई एम एफ ई एम एफ ई एम एफ को हटा दीजिए, सो वन बाई एल ई इक्वल टू वन बाई एल वन प्लस वन बाई एल टू, इस तरह से आपका ये जवाब आ गया। तो अगर आप एल ई लिखना चाहेंगे तो एल वन एल टू बाई एल वन प्लस एल टू, तो बिल्कुल सेम एज रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन, ऐसे ही रेसिस्टेंस में जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते थे तो आर इक्विवेलेंट जो बनता था वो आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू आता था। तो आप देख सकते हैं कि, तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो ये ग्रुपिंग है, इस ग्रुपिंग में आप कर सकते हैं सेम एच रेसिस्टेंस, ठीक है। कौन सा, तो आप कॉमन है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, तो जैसे इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस बिहेव करते थे वैसे ही यहाँ ये कॉम्बिनेशन भी आपको, ये ग्रुपिंग भी आपको सेम एज रेसिस्टेंस बिहेव करेगा, ठीक है। तो सीरीज में है तो सीधा सीधा ऐड करना है, पैरेलल है तो वन अपॉन करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जानकारी रखेंगे, जगह जगह काम आती है, ठीक है, आगे बढ़ें। आइए बच्चों अब इस इन सवालों को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे ये क्या कह रहा है, द इंडक्टर शोज इन फिगर हैज इंडक्टेंस 0.54 हेनरी। यहाँ पर ये देखिए एक इंडक्टर कॉयल है और इसको आइडियल इंडक्टर कॉयल मानेंगे। आइडियल इंडक्टर कॉयल में क्या होता है, रेसिस्टेंस हम लोग नहीं लेते, रेसिस्टेंस इज जीरो, ओके। तो 0.54 हेनरी इसका सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू है एंड कैरीज ए करंट इन द डायरेक्शन सोन, उधर से इधर इसमें करंट आ रहा है,
और वो करंट कैसा है, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट DI/DT, वो घट रहा है लगातार, -0.03 एम्पीयर पर सेकेंड के हिसाब से वो घट रहा है, घटते जा रहा है। तो क्या पूछता है पहला, द सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। तो जाहिर सी बात है अभी ये घट रहा है तो इस तरह से इसमें एक EMF जनरेट होगा जो सपोर्ट करेगा इस करंट को। तो करंट को इस तरह से वो सपोर्ट करेगा, एक EMF जनरेट होगा इसी तरफ उसकी, इस तरफ इसकी पॉजिटिव टर्मिनल होगी, इस तरफ निगेटिव टर्मिनल होगी, और इसकी जो वैल्यू होगी वही हमसे पूछ रहा है यहाँ पे फर्स्ट में। तो फाइंड दिस सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, तो वो EMF हमने जाना -L एंड देन DI/DT, यही कहते हैं। सो L की वैल्यू हम लोग रखेंगे कितना है, 0.54, और DI/DT की वैल्यू रखेंगे -0.03। तो ये कितना हो गया, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए 162, और 1 2 3 4 S, ठीक है, इतना वोल्ट। तो इतना वोल्ट का हमारा यहाँ पर जो है EMF वैल्यू मैग्नीट्यूड का जनरेट होगा। तो ये आपका एक आंसर हो गया। अब आपसे क्या पूछता है, आपसे कहता है कि विच और एंड ऑफ द इंडक्टर ए और बी इज एट हायर पोटेंशियल। तो देखिए हायर पोटेंशियल, तो देखिए अगर आप इसको रेसिस्टेंस समझिएगा तो फिर आपसे गलती हो जाएगी, क्योंकि अगर आप रेसिस्टेंस समझते हैं तो आपको लगेगा कि करंट तो हमेशा फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो आपको लगेगा कि बी हायर है ए लोअर है, बट यहाँ ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे इंडक्टर कॉयल है, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अलग हटके होगी। तो इंडक्टर कॉयल में रेसिस्टेंस कुछ भी नहीं होता, रेसिस्टेंस जीरो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इंडक्टर कॉयल, अब चूंकि यहाँ पे करंट जो है यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं है, वो चेंज कर रहा है, तो एक EMF इंड्यूस होगा, और EMF जो इंड्यूस होगा आप देखिए उसका जो इक्विवेलेंट EMF आपने बनाया वो इस तरह से बनाया, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ दिया हुआ है और निगेटिव इस तरफ, इसका मतलब हायर पोटेंशियल ए पर हो गया एंड लोअर पोटेंशियल बी पर हो गया। तो आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, ये VA हो गया और ये VB हो गया। तो अगर आप VAB लिखिएगा ए से बी की तरफ, मतलब VA-VB लिखेंगे, तो यही वैल्यू आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, जो अगर आप यहाँ से चाहें तो 1.62 × 10 की पावर 12, तो -2 वोल्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये कहला रहा है आपको कि ये पॉजिटिव है, मानी ये हायर है, तो VA जो होगा ग्रेटर देन VB। सो ए वाला टर्मिनल जो होगा वो हायर होगा, इसलिए आप ये सेकेंड वाला भी आंसर करेंगे। तो विच एंड ऑफ द इंडक्टर ए एट हायर पोटेंशियल, तो ए, ठीक है, हायर पोटेंशियल के लिए ए जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया। चलिए इसी तरह से ये दोनों सवाल को अच्छे से आप देखिए, वीडियो को पॉज करते हुए आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, कि जैसे इसमें दिया हुआ है फिगर सोन, आई की वैल्यू दे रहा है और आपको VL एंड VAB, तो VL मतलब इंडक्टर के अक्रॉस क्या होगा VL, तो वही इंड्यूस्ड EMF उसको फाइंड करना है, और फिर उसके बाद ए से बी के बीच करना है। तो ये तो बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। और इसको भी अगर आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, व्हाट इंडक्टेंस एल की वैल्यू पूछ रहा है, वुड बी नीडेड टू स्टोर 1 kW hour एनर्जी। तो एनर्जी वाला फार्मूला U=½ LI² आपने पढ़ा है, तो उसको आप अगर सही से यूज़ करेंगे तो ये भी बना सकते हैं। तो दोनों आप अटेम्प्ट लें, फिर मैं बनाऊंगा तो मिलाएंगे। आई होप कि आपने कर लिया हो। आइए सॉल्व करते हैं। आई दिया हुआ है, VL निकालना है, तो VL हमारा क्या होगा, आपका -L देन DI/DT ये रखना है। तो एल वैल्यू जो है आपको 2 हेनरी दे रखा है, सो ये -2 हो गया यहाँ पे, और फिर DI/DT, तो यही है आपका आई, इसका DI/DT करना है। तो DI/DT ऑफ 10 × e^-4t इसे सॉल्व करना है। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन मालूम होगा आपको, ये कांस्टेंट 10 है, इसमें आके मल्टीप्लाई हो गया तो -20, और फिर आपका ये डिफरेंशिएशन DI/DT ऑफ e^-4t हो गया। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार डिफरेंशिएशन में सिखा चुका हूँ कि ये इतना ही रह जाएगा e^-4t, और जो t का कॉफिशियंट है -4, उससे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया, तो 80 80 टाइम्स e^-40, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा VL, मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 80 × e^-40, इस हिसाब से वो चलेगा, मतलब वो भी टाइम के साथ जो है आपका वेरी कर रहा है, ठीक है। तो एक जवाब तो आपको हो गया। अब VAB की बात करते हैं, तो VAB की बात करेंगे, यहाँ से वहाँ तक करेंगे, तो किरचॉफ के वोल्टेज रूल को आपको फॉलो करना होगा।
तो उस हिसाब से आ जाइए, VAB यहीं पे लिख देता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करिए, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप आएगा I इंटू आर का, तो I हमारा कितना था, I देखिए दिया हुआ है 10 × e⁻⁴ और इंटू आर जो है उसका 4 है IR, और उसके बाद वो जो आपने बनाया हुआ है तो वो VL तो आपका सीधा सीधा यही आएगा, तो जितना आया उसको आप लिखिए, तो प्लस 80 × e⁻⁴। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखिए कि DI/DT, अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दें तो DI/DT की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर इसको हम देखें यहाँ पे, तो चूँकि DI/DT आप सॉल्व कर देखिए, आई दिया हुआ है यहीं पर, अगर मैं अलग से एक बार फिर से DI/DT निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा बाहर और e⁻⁴ और −4। ठीक है, −4, तो ये ऑलरेडी क्या आ गया, −40 × e⁻⁴, तो ये निगेटिव, क्योंकि देखिए e⁻ कुछ भी रहेगा तो वो पॉजिटिव टर्म है, लेकिन ये जो सामने निगेटिव लग गया आकर के वो क्या बताएगा, निगेटिव, ये डिक्रीजिंग है यहाँ पे, तो करंट जो इधर से जा रहा है वो डिक्रीजिंग है, तो ये इसको सपोर्ट ही करने वाला है, तो इसके जो EMF के डायरेक्शन होंगे वो ऐसे कुछ होंगे, तो उस VL की वैल्यू आपके पास आई है इतनी, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन जब आप इधर से उधर जा रहे हैं तो वो निगेटिव टर्मिनल से आपकी एंट्री हो रही है, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल से, तो यहाँ पर इधर पॉजिटिव तो इस तरफ निगेटिव, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा आपको, ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो निगेटिव टर्मिनल होते हुए जाएंगे, क्यों, तो DI/DT इज निगेटिव इस वजह से, तो माइनस साइन जरूर लगाइएगा तब सही होगा। तो चलिए इसको फाइनल करें, तो ये 4 × 10 = 40 यहीं पर कर देता हूँ, तो ये 40 × e⁻⁴ और ये 80 दोनों देखोगे तो क्या हो जाएगा, −40 × e⁻⁴। ठीक है, तो ये आपका आंसर बनेगा ए से बी, तो ये भी निगेटिव है, उसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये ए हायर पे रहेगा और बी आपका लोअर पे रहेगा। ठीक है, तो बी ए माइनस बी बी, ये उसी को आप लिख सकते हैं, बी ए माइनस बी बी ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो बी जो है आपका हायर हो गया और ए आपका लोअर रह जाएगा। ठीक है, तभी आपका ये निगेटिव आया है यहाँ पर, तो ये ध्यान में रखिएगा, बी आपका हायर पोटेंशियल पर रहेगा। ठीक है, क्योंकि करंट डिक्रीजिंग स्वभाव का होगा, DI/DT आप देख सकते हैं निगेटिव आया, सो करंट डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है तो जिधर भी करंट आगे को मूव कर रहा है तो उधर ही हायर हो जाता है, तो बी की तरफ जा रहा है हायर हो गया, उसमें भी देखिए ए की तरफ आ रहा था तो ए हायर हो गया था, तो इस तरह से डिक्रीजिंग के केस में। चलिए और इसको फाइनल कंक्लूड कीजिए, देखिए बच्चों इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं, व्हाट इंडक्टेंस वुड बी नीडेड टू स्टोर 1 kWh ऑफ एनर्जी इन ए क्वाइल कैरिंग ए 200 एम्पियर करंट, तो आपको 1 kWh एनर्जी देखना पड़ेगा ये कितना होता है, तो 1 किलो मतलब 10³, वाट मतलब जूल पर सेकेंड, और आवर हो गया आपका 60 मिनट 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये इतना जूल हो जाएगा, ओके, किलो के लिए इतना हो गया, वाट के लिए आपका जूल पर सेकेंड आ जाता, और ये आवर है जिसको आपने 60 × 60 किया तो फिर वो मिनट और फिर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, तो ये सेकेंड कट जाएगा, जूल बच जाएगा, सो ये कितना हो गया, 3, 6 और उसके बाद × 10⁻⁵ अगर आप देखिए तो 5 जूल इतना, और अगर आप 3.6 लिखते हैं तो 10⁻⁶ जूल्स, इतनी एनर्जी हो जाएगी ये। तो कहता है कोई इंडक्टर कॉइल होगा हमारा, उसमें हमको इतनी एनर्जी जमा करके रखनी है। ठीक है, और करंट कितना जा रहा है यहाँ पर, कैरिंग 200 एम्पियर करंट इसमें इस्टेब्लिश हो चुका है, तो बताना है एल वैल्यू क्या होगी, तो आप जानते हैं यू एल इज हाफ एल आई स्क्वायर, तो आपका जो एल हो जाएगा 2UL/I, आपका क्या लिखिएगा, 2UL/I². ठीक है, ये चीज, ओके, तो यहाँ से क्या हो गया, 2 × UL जो कि आपका ये एनर्जी हो गया 3.6 × 10⁻⁶ और I² तो ये 200 × 200। ठीक, ये 4 यहाँ से कट कर दीजिए, 4 ख़त्म तो 2 बचेंगे, और फिर ये 2 ऐसे कैंसिल हो गया, मतलब ये 7.2, अच्छा यहाँ भी एक 2 है तो इस 2 को काटिए ना, 1.8 हो जाएगा, तो 1.8 और 10⁻² है,
तो 10 का स्क्वायर बचा हुआ है ना, मतलब 180, 1.8 इंटू 10 की पावर 3, 1.8 इंटू 100, 180 हेनरी आपका जवाब हो जाएगा। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए ऐसे कॉइल की, 180 हेनरी होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज और हम कह सकते हैं, जैसे देखिए UL हाफ LI स्क्वायर है, तो आपने L कहा 2UL बाई I स्क्वायर। तो मानिए अगर हमको 1 एम्पियर करंट होता, 1 एम्पियर करंट सेट करना है, तो क्या हो गया, 2 into UL हो गया है ना। तो 1 एम्पियर के करंट को अगर आपको सेट करना है ना इसमें, तो देखिए जितनी भी एनर्जी इसमें स्टोर होती है उसका डबल वैल्यू हो जाएगा क्या, सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब इसकी सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि इसमें जो एनर्जी जितना ये स्टोर कर सकता है उसका डबल स्टोर कर ले। कब, जब आप इसमें करंट सेट करेंगे कितने का, 1 एम्पियर का, 0 से लेके 1 एम्पियर तक जब आप करंट सेट कर रहे होंगे तो उसी बीच में इसमें एनर्जी जमा हो रही होगी, और वो एनर्जी जो जमा होगी वो इसके सेल्फ इंडक्टेंस के जो वैल्यू होगी, वो जो भी एनर्जी इसमें जमा हुई है उसका डबल, जितनी एनर्जी जमा होगी उसका डबल वैल्यू जो क्या होगा, ये एल वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट के सेटअप के लिए किसी इंडक्टर कॉइल में 1 एम्पियर का करंट, 0 से 1 एम्पियर के करंट को आप सेट करना चाह रहे हो, तो इसमें जितनी भी एनर्जी जमा होती है उसका डबल वैल्यू होना चाहिए क्या, तो एल, एल की वैल्यू। ठीक है, या एल की वैल्यू जितनी भी होती है उसका आप कह सकते हो कि उसका हाफ एनर्जी उसमें जमा होता है, क्योंकि आप यहीं पर यू एल क्या कह सकते हो, हाफ ऑफ एल, आई अगर 1 है तो कह सकते हो कि जो भी एल वैल्यू इसका है उसका आधा है ना, न्यूमेरिकली उतनी एनर्जी जा करके इसमें तुम जमा कर सकते हो। तो इस तरह से भी कई बार आपको लैंग्वेज में दिया रहता है तो आप डिकोड कर सकते हैं। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन से एक आध और है, जरा उसको भी देख लीजिए। है बच्चों, इस प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग, देखिए क्या दिया, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है और इस टाइप के प्रॉब्लम आपको एग्जाम में अक्सर दिख जाते हैं। देखिए, टू कॉइल्स कह रहा है हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू L1 एंड L2 दी हुई है 5 mH एंड 1 mH। द करंट इन द कॉइल इज इंक्रीजिंग एट सेम कॉन्स्टेंट रेट, मतलब दोनों में जो भी करंट इंक्रीज हो रहा है दोनों में सेम रेट से इंक्रीज हो रहा है एट ए सर्टेन इंस्टेंट, एंड द पावर सप्लाई टू द कॉइल्स इज ऑल्सो सेम, तो जो भी पावर सप्लाई हो रहा है कॉइल में वो भी कह रहा है कि सेम हो रहा है। तो फाइंड करना है रेशियो इंड्यूस्ड वोल्टेज करंट एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कॉइल्स एट दैट इंस्टेंट, तो उसी इंस्टेंट में आपको ये सारे रेशियोज भी देखने हैं। तो सबसे पहले जैसे कि अब पूछ रहा है इंड्यूस्ड वोल्टेज, तो ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए, EMF देखना है। आपको पता है कि EMF इज माइनस एल और DI/DT, और कह रहा है कि DI/DT दोनों केस में सेम है, तो फिर आपका जो रेशियो लेंगे हम E1/E2 है ना, माइनस तो कैंसिल कर सकते हैं आप, या फिर लिखना है तो लिखिए L1 DI दोनों में सेम है तो DI/DT और L2 DI/DT, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है, माइनस भी हट गया। तो जो भी आपके L1 L2 का रेशियो होगा वही जवाब हो जाएगा, सो दैट इज 5:1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि करंट उस इंस्टेंट में जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो, तो कहता है पावर भी सेम है। आप देखिए सप्लाइड है ना, पावर सप्लाइड टू द कॉइल्स इज सेम, देखिए पावर सप्लाइड टू द कॉइल्स इज सेम, इसका मतलब पावर, देखिए पावर क्या है, कौन सा पावर है, इलेक्ट्रिक पावर ही होगा ये, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है वैल्यू, तो पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का काम यहाँ कौन करेगा, यही EMF करेगा, और I जो भी करंट चल रहा होगा तो E into I, तो कहता है वो सेम है, तो दोनों में जो आपका EMF होगा दोनों सेम है, इसका मतलब है कि P1 = P2 है, तो P1 E1 I1 और ये क्या E2 I2, क्लियर है, और इस सॉरी I2, तो इस हिसाब से I1/I2 अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा E2/E1, और अभी आपने E1/E2 निकाल रखा 5/1, तो E2/E1 हो जाएगा 1/5, तो ये हो जाएगा हमारे करंट का रेशियो, और ये हो गया था आपके EMF इंड्यूस्ड के रेशियोज। तो इंड्यूस्ड वोल्टेजेस के रेशियो आ गए, करंट के रेशियोज आ गए उस इंस्टेंट में, ठीक रिवर्स हो गए। अब आपको क्या देखना है, एनर्जी स्टोर्ड इन टू कॉइल्स एट दैट इंस्टेंट, तो एनर्जी के फॉर्मूले को हम लोग चलें लेके,
हाफ एल आई स्क्वायर करते हैं, तो दो केस में अगर हम लोग कंपेरिजन करेंगे, यू वन बाई यू टू अगर लिखे लिखा जाए, तो हाफ एल वन आई वन का स्क्वायर, हाफ एल टू और आई टू का स्क्वायर। हाफ देखिए खत्म हो गया, एल वन बाय एल टू एंड आई वन बाय आई टू का होल स्क्वायर ये बचेगा। अब एल वन बाय एल टू हमको दिया है 5/1, और आई वन बाय आई टू आपने निकाला अभी अभी 1/5, तो इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर अब आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये क्या होगा 1/5 बचेगा, तो ये इसका आंसर हो गया ये भी। ठीक है, तो इस तरह से आप इस तरह से छोटे छोटे सवालों को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा सेल्फ इंडक्टर पर, तो वो सब पर रिलेटेड यही है। अब आगे हम लोग चाहो तो ग्रोथ LR सर्किट उसके बारे में, उसमें ग्रोथ एंड डीके ऑफ करेंट्स उस पर चर्चा होती है, जिससे कभी कभी आपको कंपटीशंस में सवाल मिल जाया करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जल्दी मिलते हैं, यहाँ तक कंप्लीट करके रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।